हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये है काली चना, जिसे मैंने रात भर सोक कर लिया है। अब इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे चने ग्राइंडर में डाल दिए हैं। उसके साथ डालेंगे नमक, जीरा, थोड़ी हींग और उसके साथ ही डालेंगे अदरक और दो हरी मिर्च। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगा और हेल्दी भी रहता है वो। फ्रेंड्स, हमारा बैटर पिस गया है। अब इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हमारी सारी वेजीज कट कर लेंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे 10 मिनट के। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें से थोड़ा सा बैटर दूसरे बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। और अब इसमें ऐड करेंगे सारी वेजीज जो हमने कट करके रखी हुई हैं। सबसे पहले डालेंगे प्याज जो बारीक चॉप करके डाल ली थी मैंने, सॉरी बारीक चॉप कर ली थी। टमाटर डालेंगे साथ में, शिमला मिर्च डालेंगे और उसके साथ डालेंगे ककड़ी और उसके साथ डालेंगे हरा धनिया और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्च पहले ही ऐड करी हैं और नमक भी ऐड कर रखा है, जीरा, हींग। उसके साथ डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ा चाट मसाला। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही हेल्दी बनता है ये ब्रेकफास्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर बना कर देखिए आपने काले चना से, तो बहुत रेसिपी ट्राई की होंगी, एक बार इसको भी ट्राई करिए। थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। साथ में डालेंगे थोड़ी सी स्वीट कॉर्न, फ्रोजन है, सॉफ्ट ही रहती हैं, कुछ बनने में सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसमें डालेंगे, इसमें 1 टीस्पून रहता है इनो फोर्सेंट में, 1/2 टीस्पून डालना है। हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने तवा गरम होने रख दिया था, उसको डालना नहीं पता। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो घी या तेल यूज कर। स्प्रेड करना है और लो फ्लेम पर इसको पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है, अच्छे सीख गया है। अब इसको आराम से पहले किनारी निकाल देंगे, उसके बाद पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सीख गया है, उसकी तरह भी
उस तरह से सीख लेंगे पक्का। अब इस पर स्प्रेड करेंगे चीज़ अच्छी तरह से, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और बच्चों को भी पसंद आता है। उसके साथ ही इसको स्प्रेड करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, इससे हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड, चीज़ भी मेल्ट हो गया है और हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। फ्रेंड्स, अब ट्रे लगा लेते हैं, सॉरी पास्ता की प्लेट, मैंने चटनी बना के रखी थी। और हमारा टेस्टी और हेल्दी लंच बन के बिल्कुल रेडी है, सॉरी ब्रेकफास्ट। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। आधे रात है फ्रेंड्स, मैंने ये चटनी बना के रखी थी, उसके लिए मैंने ब्लेंडिंग जार में धनिया ले लिया है डंठल से धोकर, हरी मिर्च, टमाटर और उसके साथ डाला है नमक, मिर्च और ये जो हमने वेजिस कट करने में टमाटर का अंदर का पार्ट निकाला था वो उसके साथ डाल लिया है और थोड़ा जीरा डाल लिया है। साथ डालेंगे नमक, थोड़ी चीनी, कच्चा आम तो ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों रेसिपीज एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है।